कहता देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ब्लड डोनेशन और हिजामा, दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसमें टॉक्सिन निकल रही है, उसमें ताजा खून निकल रहा है। दूसरी, क्या हिजामा पेनफुल है? इसका जवाब है कि ये पेनफुल जितना हम समझ रहे हैं इसमें कट लगते हैं, ये कट नहीं होते। अगर कट हो तो फिर शुगर पेशेंट को करवा ही नहीं सकते, ये स्क्रैचेस होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर जमीर जाफरी है और मैं गुज़श्ता 30 साल से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में डील कर रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी हूँ। कुछ क्वेश्चन जो हमारे यहाँ अक्सर पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, के क्या हिजामा खून निकालने का अमल है? नो, हिजामा में खून नहीं निकाला जाता, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ योर ब्लड, जस्ट टॉक्सिन्स, सिर्फ वो खून के फासद मादे जो आपके लिए अभी मुस्तकबिल में कहीं भी फ्यूचर में आपके लिए ट्रबल क्रिएटिंग हो सकते हैं, सिर्फ उनको निकाला, यही तो करामत है हिजामा की। ये मैनमेड थ्योरी थोड़ी है कि इंसान ने बनाई है, ये जानिबे परवरदिगार है, इसमें यही करामत छुपी हुई है कि आप किसी भी सिस्टम को, बॉडी के सिस्टम को डिटॉक्स कर सकते हैं, उस सिस्टम के उस वाइटल ऑर्गन को छेड़े बगैर। लिवर को डिटॉक्स करना है, कीजिए, लिवर को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, लिवर के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं है, बॉडी के ऊपर ऐसे पॉइंट्स हैं हमारी बैक के ऊपर, मोस्टली पॉइंट हिजामा के बैक के ऊपर होते हैं, कुछ फ्रंट पे भी लेकिन मोस्टली बैक के ऊपर है। तो हिजामा डिटॉक्सिफिकेशन है, खून निकालने का नाम नहीं है। अगर खून निकालने का नाम हो तो हमारे पास वो बच्चियाँ या वो लोग जो एनेमिक होते हैं, ब्लड डेफिशिएंसी, खून की कमी का शिकार हैं, उनका तो फिर हिजामा वैलिड ही नहीं है, जबकि उनके यहाँ ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आते हैं, खून बनने लग जाता है। लिहाजा खून निकालने का नाम हिजामा नहीं है, एक चीज़। दूसरी बात, क्या हिजामा और ब्लड डोनेशन एक ही चीज़ है? कुछ लोग हमारे पास आते हैं, जी हम ब्लड डोनेशन देते हैं, हर 3 माह के बाद एक बॉटल देते हैं, तो हिजामा की क्या जरूरत है? भाई सीधी सी बात है, ब्लड डोनेशन और हिजामा दो मुख्तलिफ नजरियात हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो आप अपना आर्टीरियल ब्लड दे रहे होते हैं, आर्टीरियल ब्लड जो है वो आप ब्लड डोनेशन में देते हैं किसी की जान बचाने के लिए, जबकि हिजामा कैपिलरी ब्लड से निकाला जाता है, वो टॉक्सिन्स हैं, वो निकलवा के आप अपनी सेहत को इंश्योर कर रहे होते हैं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन ब्लड डोनेशन और हिजामा, दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इसमें टॉक्सिन निकल रही है, उसमें ताजा खून निकल रहा है। दूसरी बात, क्या हिजामा सुन्ना डेट में ही कराया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, हिजामा बकायदा एक थेरेपी है और प्रिवेंशन के तौर पे आप वो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है हिज्जेमा तकदम कराना चाहें, सुन्ना डेट में कराइए। लूनर डेट्स, चांद की तारीखें 17, 19 और 21, इसके लिए ये सुन्ना डेट कहलाती है। अदरवाइज सरकारी आलम का फरमान है कि आयतुल कुर्सी की तलावत करके इसको कभी भी कहीं भी कराया जा सकता है। एक पेशेंट आया हमारे पास 1 तारीख को कि ना मेरी कमर में शदीद दर्द है, मैं कहूँ सॉरी यार 17 दिन के बाद आना या 19 को आना या 21 को आना, इट मेक नो सेंस। लिहाजा हिजामा सुन्ना डेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए है, जो इसको अपना लाइफ स्टाइल बनाते हैं, उनकी फैमिली में कोई मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द है, हार्ट अटैक है, शुगर है, कोई स्किन डिसऑर्डर्स हैं, तो वो उससे बचना चाहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं, वो करते हैं, वो उसको अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं, हर महीने कराते हैं। सुन्ना डेट को प्रेफरेंस के साथ अख्तियार करना चाहिए, लेकिन अगर आपको कोई शिकायत है तो फिर उसके लिए सुन्ना डेट जरूरी नहीं है, उसको आप कभी भी कहीं भी करा सकते हैं। एक बात, दूसरी, क्या हिजामा पेनफुल है? इसका जवाब है कि ये पेनफुल जितना हम समझ रहे हैं कि इसमें कट लगते हैं, ये कट्स नहीं होते। अगर कट हो तो फिर शुगर पेशेंट तो करवा ही नहीं सकते, ये स्क्रैचेस होते हैं। जैसे मेरा ये नाखून बड़ा हो और आपके हाथ की बैक साइड पे मैं जोर जोर से स्क्रैच करूँ, हाउ मच पेन यू कैन फील, मैनेजेबल होगी ना। लिहाजा ये सेफ है शुगर पेशेंट्स के लिए भी, ख्वातीन, बूढ़े, जवान सब इसको करा सकते हैं, ये पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है।